किया तो काले भेरूंगी उपज हुए बतावे और किया काशीपुर नगरी को कोतवाल बनावे। सजनो भेरू जी महाराज की यानी काले भेरूंगी लीला कुछ अलग है और जगह आजकल के संसारिक जीवन के मां दुनिया गावे या दुनिया मनावे बात चीज कुछ अलग है। काले भेरूंगा रोड के ऊपर जगह मंदिर बने बनेडा हुए है ये कदी काले भेरूंगा कोनी हुए और ना ही भेरू जी महाराज विराजमान हुए। ये तो ठीक है दुनिया की राह रीति है बना रखी है। बाकी भेरू जी महाराज को तो प्रेमियो रूप एक एडो है आदमी देखे नहीं तो कालजो पाटनो डरनो तो दूर की बात है मतलब वो छोड़ जिए शरीर छोड़ जिए। एक कवि लिखे है क्या पलक रूप परलाट जोत जरलाट पलक रूप परलाट अरे जोत जरलाट मतलब रूप को इतो रोब है भैरव जी महाराज को जल्ले को नहीं पलक रूप परलाट जोत जरलाट एकदम जोत आवाजन कितो प्रकाश हुए भैरव जी महाराज का नेत्र जे खुल जे एक बार तो इतो प्रकाश पड़े सामे आदमी वे वो जल जिया वे पलक रूप परलाट जोत जरलाट पलक हरि भजन बनी से भैरव जी महाराज को उनियारो देखा जनिया भगवान शंकर को सुवे। पर आजकल मेर वर्गा कलाकार है बोले और कालिया भूरिया गोडो तोड़ दियो भाई बना रखियो है भाई कौन के नहीं भाई नहीं सो कौन शब्द बोले दुनिया है पलक रूप पर लाट जोत धरलाट फलक हरि भजन बनी से हद सांकल हर लाट पगा खरनाट अर पटिया अंतर तेल रमे अद सांकल हरलाट बली के शरीर के ऊपर इतनी सांकल बांधे डीवे है बीजे अलावे तो खरनाट उपड़े अर पगा खरनाट बढ़ी जे पगा में गुगरिया बांधे डे जे अलावे तो खरनाट उपड़े पटिया तो अंतर तेल रमे काल का पुत्र भैरों जी रंग ठाट जठे जठे भैरों जी महाराज को वासो है बटा रंग का ठाटी लागे। तो एक समय की बात है ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों भेड़ा बैठा प्रेमियों विष्णु जी ने ब्रह्मा जी देख कर बोलिया भी मैं सृष्टि ऊपर सबसे बड़ा विष्णु जी महाराज कह नहीं सा सबसे बड़ो तो त्रिलोकी गो नाथ भगवान शंकर है। तो चार वेदा जका ने बुलाये सब देई देवता भेड़ा हुए है भाई सृष्टि ऊपर सबसे बड़ो कौन है। तो सारांगी आई बात हुई है भाई अनादि देव देवांगो महादेव शंकर भगवान सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी को पांचों मुख हो जके के शंकर भगवान की निंदा करी है एक कदगा मोटा है कोई जात को ध्यान नहीं माँ बाप को ध्यान नहीं बैठन को ध्यान नहीं उठन को ध्यान नहीं भांग धतूरा पिए नशे में भरपूर रिवे शंकर भगवान कुछ नहीं बोलिया। सजनो ब्रह्मा जी के पांचवें मुख के है भगवान शंकर की कटौती करनी शुरू कर दी है। डोकरे ने सुनते सुनते के आखिरी आ गई है तो किया समरू पर्वत के ऊपर सारी बातें इस चाल है। डोकरे ने रीस आई है और किया आपकी लठी मुंह उखाड़ के दो बाल के पर्वत के ऊपर मरर किया काले भेरूंगी उपज भर क्या अपनी राम सभा तो किया काले भेरू ने रीस आवे शंकर भगवान ने रीस आवे हवा आये रीसा में शंकर बाल युखा
शंकर जी ने काई भरे मावे हे पाप छाग्यो अरे ई पाप को नाश करने खातर थारी उपज कराई है तो कह ब्रह्मा जी के पांचवा मुख भगवान शंकर को अपमान करियो तो किया कालो भैरु आपकी लीला करे हाँ आयरी समय भैरु विकराल हो यो गोरे कालो नाक बदा
अब कहे शंकर भगवान आगे रेशम प्रेमी हो आपकी जटा मु दो बाल काट गए कह सिल के ऊपर मारे है तो शंकर भगवान के तप्पू कभी जटा गमाऊ भैरू जी महाराज की एक ज्वाला उपड़ी है और कह काले भैरू की उपज होगी है कालो भैरो शंकर भगवान ने कहे बाबा मने क्यों उपाय कोई काम है वो बताओ। शंकर भगवान कहे बेटा तू काल भैरव है और काल है जको पाप हुए बिगो नाश करने खातर हुए ए बेटा ई धरती पर पाप छा गयो और जको पाप करे बिगो तू नाश करेगो तो भैरू जी महाराज के मन में हुए है के ब्रह्मा जी के पांचवें मुख है जके भगवान शंकर ने अबड़ा बोल बोलिया पहला आप आठवीं मुहूर्त कर दिया तो के आपकी चिटली आंगली को नाखून बधाई है और ब्रह्मा जी को क्या पांचों शीस उतार लियो उतार दियो है। अब जिये ब्रह्मा जी को शीस उतार दियो ब्रह्मा जी को शीश है जो क्या भैरू जी महाराज के हाथ के चिपकी आत्मी दी गई है कालो भैरू शंकर भगवान ने कहे हे बाबा अन ब्रह्मा के पांचवें मुख थारी निंदा करी अरे मिया वो शीश उतार दियो अब वो शीश है जो मेरा हाथ में रह गयो के बात है। तो भैरू जी महाराज ने शंकर भगवान के हे बेटा ब्रह्मा जी ब्राह्मण है और ब्राह्मण की थने गऊ हत्या लागी है हे बाबा ओ शीश मेरे हाथ में किया छूटे गो। तो शंकर भगवान के हे बेटा जठे कोई जागती भूमि वे बठे जाओ और बठे वो शीश थारा हाथों छूटे गो। तो किया कहे शंकर भगवान आपकी कलाऊ एक काली कन्या उपावे और किया भैरू जी महाराज समान ने सागर लेगी यानी कुत्ते ने सागर लेगी सृष्टि का भ्रमण करें भैरू जी महाराज की फोटो गुमा शीश पकड़ हुए लारसी में जागरण लगाने गया कि भगजी ना मिले बाबा भक्ता पांगे छोरे ने मैं पूछ लियो भाई जी वो भैरू जी का हाथ का जो शीश है वो किंग बोलो जगदीश जी महाराज कलाकार बना गिरा दुनिया स्टैंडर्ड की है। तो ब्रह्मा जी को पांचवा शीश उतारियो वो भैरू जी महाराज के हाथ में जगदी वो शीश नहीं है। तो किया कालो भैरू भगवान शंकर को बात पूछर किया शंकर भगवान बतावर किया अपनी राम सभा सोना है मारा अमा बोले रे शंकर भैरू के फरमा
चालियो आवे हे महाराज की। अब कहे
भगवान शंकर आपकी कलाओं एक काले रंगी कन्या उपाई है और भैरव जी महाराज के पीछे कर दिए। भैरव जी महाराज ने कहे बेटा ओ शीश तेरा आत्मो जदी छूटेगो कोई तपो भूमि में जावेगो कोई जागती भूमि वेगी बैठे जावेगो जना शीश छूटेगो। भैरव जी महाराज के हे बाबा माने के पतो चाल सी भी कोई जागती जिग्या अठे। प्रेमियों सवान यानी कुत्तो आगू बता सके भी के विपता पड़ेगी। सृष्टि के ऊपर जो भी जानवर है जीव है मनुष्य है बामो सबसे श्रेष्ठ है कुत्ता। कुत्ते ने पहला वो ध्यान लाग जे भी गांव में विपता आवेगी तो क्या बोकन लाग जे। तो भैरव जी महाराज सवान सागर लिए दुनिया गावे है काले भैरव को गोडो तोड़ दियो माताजी बठो काले कुत्ते ने भेजो और कह भैरव जी महाराज ने काले कुत्ते की सवारी दे दी। बी टाइम भैरव जी महाराज कुत्ते ने सागर लियो भाई ओई बतावे को जागती जिग्या घटे। अब कहे ब्रह्मा जी को शीश हाथ के मैं पीछे काले रंगी कन्या यानी शंकर भगवान की उपायडी चले और भैरव जी महाराज भी कुत्ते ने सागर ले लिए। ब्रह्मा जी के शीश में जो खून पड़े वो कुत्तो नीचे नहीं पड़ते और क्या फिरता है फिरता है सारी सृष्टि का चक्कर चलाया पर कोई जागती भूमि नहीं आई है। जिए कह सजनों काशीपुर नगरी पहुंचे हैं बटे सवान बताइए हे बाबा आ जागती भूमि है। तो क्या बटे जाऊं ते भैरव जी महाराज के हाथ के जो शीश चिपेड़ो हो वो पड़ी है आज भी जगह ने कह कपाल मोचन बोले। भैरव जी महाराज बटे रुके है तो शंकर भगवान काले भैरव ने हिलो मारियो हे बेटा आ जागती भूमि है और तपो भूमि है तू हटे तेरा डेरा लगा ले। तो कहे भैरव जी महाराज काशी नगरी गमा आपका डेरा लगाया कांकड़ के मां और काशी को कोतवाल बजियो है काशी नगरी को रुखाड़ो रक्षक बजियो है और सारी जिया जोड़ो लेखो जोखो चित्र गुप्त करे पर काशी नगरी को लेखो जोखो कालो भैरू करे और जको यमराज कने अस्त्र शस्त्र भी काले भैरू कने अपनी सृष्टि के ऊपर कोरडो या तो यमराज कने या काले भैरू कने। आजकल काले भैरू का पुजारी भी रखे और दूसरे कोई देवता कन कोरडो नहीं है। तो कालो भैरव काशी नगरी को रुखाड़ो बनी है और आज भी काशी नगरी के जीतो भी लेखो जोखो है वो बैठे हुए है। काशी नगरी गमा कोई भी कार्यालय है सरकारी दफ्तर है बैठे और कोई चीज की फोटो को ला दे काले भैरव की ला दे क्यों बे और की नहीं माने को नहीं काले भैरव नहीं माने बैठे को सब कुछ काले भैरव तानी चाले। तो यहां करके काले भैरव की उपज हुई है काशी नगरी गमा भैरव जी महाराज ने बासो दियो है काशी नगरियों चाल गए बाबू के है मथुरा आया मथुराओं मंडोर बाग मंडोर बागों हाड़ोती यहां करके कह चार पांच धाम बसा गए लास्ट मां की रमागे तोड़िया सर आपकी धाम पुजाई है पर आज आप सारी जिया जोड़ भैरव जी महाराज ने माना और काले गोरे भैरों की जगदम्बा भवानी की।